हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 24 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देख रहे हैं CDP के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है, क्या अवधारणा है। तो इसमें कह रहा है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, या फिर वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, या फिर आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो देखिए, सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, होता क्या चीज़ है। कह रहा विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है। क्रांतिक अवधि क्या होती है? सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। यह महत्वपूर्ण अवधि आमतौर पर लगभग 2 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है। यदि किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिसके बाद वे जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से कौन किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण जो होता है विकास को निर्धारित करता है, या फिर कह रहा है विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो देखिए, विकास की नवनीता ये यहाँ पे दिया गया है। विकास की नवनीता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी दृष्टिकोण को मानते हैं कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। मीन्स यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बच्चे के विकास के अधिकांश पहलुओं पर बच्चों और माता पिता का अपमानजनक व्यवहार, जैसे शारीरिक हिंसा, चीखना चिल्लाना, हिंसक धमकियों और एवं बाल दुर्व्यवहार बच्चों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है बहुत छोटे बालकों के लिए डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो प्राथमिक संस्था जो होती है परिवार होती है, मतलब यहाँ पे तत्कालीन परिवार हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत छोटे बालकों के लिए तत्कालीन परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, जबकि मुद्रक संचार धार्मिक संस्था एवं विद्यालय आज सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। सामाजिकरण के मुख्यतः 2 प्रकार होता है क्या? प्राथमिक सामाजिकरण परिवार, पास पड़ोस, मित्र समूह और क्रीड़ा समूह आदि प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। द्वितीयक सामाजिकरण विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, पत्र, पत्रिकाएं, किताबें आदि द्वितीयक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? उन्नत आयोजक संहिता उपकरण, स्कीमें। तो यहाँ पर देखिए स्कीम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे के सिद्धांत के में क्रियाओं और विचारों संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, स्कीमा कहलाती है। स्कीमा बच्चों के अंतःकरण में मस्तिष्क जमा चीज़ों और का उपयोग करके किसी वस्तु या किसी विषय वस्तु के प्रति जो धारणा विकसित करता है वह स्कीमा कहलाती है। मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में अविशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? उत्तर पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। आप देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए हैं। पहला, संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें वस्तु स्थायित्व विकसित करता है और इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है तथा अहम सोच अहम केंद्रित होती है, हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है तथा संख्या, द्रव्यमान और वजन में अंतर करना सीख देता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक 11 से अधिक होती है, परिकल्पनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन प्रारंभ करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है लेव वाइगुत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है, किसका उत्पाद है? अनुवांशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, सामाजिक संपर्कता, या फिर अस्मिता निर्माण। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन।
तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ले वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है। ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक उत्पाद सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बच्चों का संज्ञानात्मक शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। बालकों के सर्वांगीण विकास में समाज संस्कृति एवं भाषा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें नहीं समझा जा सकता। जीरोम ब्रूनर, डेविड आसवेल, जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की। तो ले वाइगोत्स्की का यह मानना है, अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है ले वाइगोत्स्की का मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। ले वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो कि एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हैं तो आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत या फिर औपचारिक परंपरागत स्तर। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन तो ए हो जाएगा। अब देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हैं तो आज्ञाकारी होने पर आधारित कोहलबर्ग के सिद्धांत को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। कोहल नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं। पूर्व परंपरागत मतलब 4 से 10 वर्ष, इसमें होता है आज्ञाकारिता और सजा, आत्मरुचि एवं प्रतिकूल अभिमुखता। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष होता है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। उत्तर परंपरागत 13 से 16, इसमें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक सिद्धांत। इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है। बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, या फिर अधिगम का मूल्यांकन अर्थकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। यही राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए एक संरचनावादी अध्यापक का तात्पर्य है कि वह ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करे जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। संरचनावादी अध्यापक की निम्न विशेषताएं हैं, विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और विवाद करने के लिए कहना, विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, इसमें छात्र अध्यापक के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है हार्वर्ड गार्डन ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को शामिल नहीं किया है। तो देखिए प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये इन्होंने शामिल नहीं किया है वो है बोधन बुद्धि, यानी कॉम्प्रिहेंसन इंटेलिजेंस। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से दोहरा लीजिए, हार्वर्ड गार्डन ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया। एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डन ने आठ प्रकार की बुद्धि को शामिल किया, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा होता तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है, दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद मिलती है। यानी ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँ जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें, या फिर रोजमर्रा की गतिविधियों पर जेंडर पक्षपात किया जाए। तो देखिए कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, जिससे कि समाज में किसी लिंग विशेष के लिए अव्याप्त धारणाओं को कम किया जा सके। जबकि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित करके, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करके तथा रोजमर्रा की गतिविधियों पर जेंडर पक्षपात करके कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोका नहीं जा सकता, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए
निम्न में से क्या करेंगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापक के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, विद्यार्थियों का नामकरण करना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए मिश्रित समूह, ये योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना और अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाएंगे तथा विद्यार्थियों का नामकरण करने के बजाय उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करेंगे और सहजता से स्वीकार करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, रटकर याद करने पर बल दिया जाए या विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य करने से बचा देने से बचा जाए। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा और बहस में शामिल किया जाए, रटकर याद करने की अपेक्षा स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाए जिससे विद्यार्थियों में के अंदर सहयोग की भावना विकसित हो जाए। समालोचनात्मक सोच यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति का निर्णय लेने के लिए सूचना एकत्र करती है, उसकी व्याख्या करने के साथ साथ चिंतनशील तर्क संगत सोच का उपयोग एवं अपसारी चिंतन को चुनौती देती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी, यानी अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, मानदंड संदर्भित या फिर रचनात्मक मानकीकृत, फॉर्मेटिव होना चाहिए मीन्स रचनात्मक होना चाहिए। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए अधिगम हेतु मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए क्योंकि यह मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की प्रगति की निगरानी को संदर्भित करता है या छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करके उनके प्रेरणा स्तरों को प्रोत्साहित करता है। यदि मूल्यांकन रचनात्मक हो तो उचित रणनीतियों के साथ छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान और उपचार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को देख लिया है, तो आप पढ़ते रहिए इन क्वेश्चंस को, पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।